जाएगा, इसका कायदा, इसकी बिल नागपुर के असेंबली में पास किया गया। हम सब ने उसका, कांग्रेस पार्टी और विरोधी पक्ष के सभी लोगों ने समर्थन किया था। लेकिन दुख की बात है, अफसोस की बात है कि आज तक एक भी आदमी का 2011 के आधार पर पुनर्वास नहीं किया गया है। आज भी 2000 तक की अट लगाई जा रही है वहां पर। हमारा मानना है कि जहां तक ये एयरपोर्ट की जमीन पर बसे हुए लोग हैं, इनका 2009-10 में सर्वे हुआ है, सरकार और एडिशनल कलेक्टर के पास उसका पूरा एनेक्सर 2 तैयार होके पड़ा है। 2011 का जब नियम राज्य में लागू हो चुका है, कानून बन चुका है पुनर्वसन का, तो 2008-09 के एनेक्सर 2 में जितने भी लोगों का नाम शामिल है, सबको 2011 के आधार पर पुनर्वास करना चाहिए और उनको जगह देनी चाहिए। ये हम करना चाहते हैं। और चुनाव के आखिर 4-5 दिन के, आज आप सब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि 4-6 दिन में आचार संहिता, चुनाव आयोग देश का घोषणा कर सकता है, लागू हो सकता है। ऐसे में सरकार एक राजनीतिक स्टेज लगाकर, एक आईएएस अधिकारियों को वहां पर बुलाकर, जिसका पुनर्वसन से कोई लेना देना नहीं है, वो प्लानिंग अथॉरिटी है, एसआरए के सीईओ प्लानिंग अथॉरिटी है, पुनर्वसन करने की जवाबदारी एमएमआरडीए की है, एमएमआरडीए को साइडलाइन करते हुए एक अपने खास अधिकारी को लाकर स्टेज पर खड़े होकर और घोषणा करवाकर राजनीतिक रोटी सेकने की जो कोशिश की गई है, उसका हम, उसकी हम निंदा करते हैं, उसको हम कंडेम करते हैं। और वहां के लोग पूरी तरह से नाराज हैं और वो सारे लोग इस घोषणा का विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं यही कह रहा हूं कि सरकार एक घोषणाबाज सरकार है। सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है और इसका तो बिल बाकायदा नागपुर के अधिवेशन में पास किया गया है, उसका हम लोगों ने समर्थन किया है। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो पास किए गए कानून का सर्कुलर संबंधित अधिकारी को आज तक नहीं भेजा है? क्या यह सरकार सिर्फ इस तरह से घोषणा करती है, बिल लाती है विधानसभा में, कानून बनाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताती है, जताती है, उसके बाद लागू करने की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं वो मुंह छुपाने का काम करती है और उसको रोकती है और उस फैसले से लोगों को महरूम करती है। आज तक ये सच्चाई है कि 2011 की बुनियाद पर एक भी शहर में एक भी आदमी का पुनर्वास नहीं हुआ, रूल्स फ्रेम नहीं हुए। नहीं, इट्स नॉट लाइक शत्रुघ्न सिन्हा जी इज लाइक माय एल्डर ब्रदर। लॉन्ग टाइम वी वेयर, आई वाज प्लानिंग टू सी हिम, सो आई जस्ट वेंट टू सी हिम एज ए कटसी कॉलेज, पार्ट ऑफ कटसी कॉलेज, दैट्स ऑल। ही इज नॉट द ओनली लीडर इन बीजेपी, द नंबर ऑफ लीडर्स इन बीजेपी हु आर अपोजिंग, हु आर क्रिटिसाइजिंग मोदी गवर्नमेंट एंड द वर्किंग स्टाइल ऑफ मोदी गवर्नमेंट। Yeah, a lot of BJP leaders joining Congress party. Other day in the presence of Rahul Gandhi ji and Priyanka Gandhi ji, Savitri Bai Phule, the famous firebrand BJP MP, she joined Congress party. Kal bhi kisne joined kiya hai? Join to kar rahe hain, abhi to bahut log aayenge.